हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सब। तो गाइस आज की वीडियो में हम टॉप 10 ऐसे एनिमे करेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि उस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट यानी उसके मेन करेक्टर से भी पॉपुलर है। और यार जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि यार वहां काकाशी है, तो यार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काकाशी को सब जानते हैं और नारुतो को कोई नहीं। वहां मेरा पॉइंट ये है कि यार काकाशी को वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने नारुतो नहीं देखा है। तो मैं ऐसी पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ, तो यार मुझे गलत मत समझना। वीडियो का टॉपिक यार काफी अलग है, तो यार सर्च करके शायद ही कोई आए। तो यार अगर आप कोई वी फ्रेंड है तो यार आप उसके साथ वीडियो शेयर जरूर कर सकते हो। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे जो करेक्टर है वो है मिसाकी मे फ्रॉम अनदर। अब यार अगर आप एनिमे काफी टाइम से देख रहे हो तो आपने इस करेक्टर को जरूर देखा होगा। स्काई पैच लुक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और यार अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है तो ये अम्ब्रेला और स्टेयर्स वाला सीन तो यार काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस एनिमे का मेन करेक्टर का नाम है कोइची, और हाँ यार उसे जो है कोई भी नहीं जानता है। तो नंबर 9 पे जो करेक्टर है वो है दजाई फ्रॉम बोंगो स्टे डॉग। सबसे पहले तो यार अगर आपने अब तक ये एनिमे नहीं देखा तो यार मैं आपको एनिमे फुली रिकमेंड करूंगा। इस एनिमे की स्टोरी करेक्टर सब कमाल का है, कॉमेडी एक्शन सस्पेंस सब कुछ जो है मुझे इस एनिमे में परफेक्ट लगा। ये रिव्यू वीडियो नहीं है, तो मोस्टली जिन्होंने एनिमे देखा होगा उन्होंने दजाई की वजह से ही देखा की बैक स्टोरी सुसाइड करने की कोशिश। एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। बोंगो स्टे डॉग का मेन करेक्टर का नाम है आतुशी, लेकिन अगेन यार उसको जो है कोई नहीं जानता है क्योंकि सबको लगता है कि दजाई जो है मेन करेक्टर है। तो नंबर 8 पे जो करेक्टर है वो है यूजीरो हानमा फ्रॉम बाकी। पहली बात तो यार बाकी थोड़ा अंडररेटेड एनिमे है, तो यार ये मत कहना कि आप यूजीरो को नहीं जानते। यूजीरो की डीमन बैक एटीट्यूड स्ट्रेंथ सब जो है अलग लेवल पे है। पता नहीं यार बाकी मेन करेक्टर भी क्यों है, यूजीरो को होना चाहिए था यार। ओ नहीं तो एनिमे खत्म हो जाएगा ना। तो नंबर 7 पे जो करेक्टर वो एक नहीं है, वो है बाकुगो तोदोरोकी एंड ऑल माइट फ्रॉम माय हीरो एकेडमी। ऑल माइट तो माय हीरो एकेडमी में मेरा फेवरेट करेक्टर है, और यार बाकुगो तो अपनी वॉइस के लिए पॉपुलर है, ऑफ कोर्स अपनी पावर के लिए भी। तोदोरोकी लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर है पर फीमेल वीप्स कम एग्जिस्ट करती है। टेल तोदोरोकी जो है काफी पॉपुलर है, एंड लड़कों में भी तोदोरोकी काफी लोगों को पसंद आता है बिकॉज ऑफ हिज कोल्ड नेचर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले करेक्टर पे। तो नंबर 6 पे जो करेक्टर है वो है 02 फ्रॉम डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। देखो यार फर्क नहीं पड़ता आप एनिमे बहुत टाइम से देख रहे हो या फिर आपने अभी देखना शुरू किया है। 02 को आपने जरूर देखा होगा, बेशक आपको उसका नाम ना बताऊं लेकिन देखा जरूर होगा। डार्लिंग इन द फ्रैंक्स एक मैका एनिमे होने के बावजूद भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, और आपको पता ही होगा कि मैका एनिमे जो है बाकी एनिमे से इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते। तो नंबर 5 पे जो करेक्टर है वो है बान फ्रॉम सेवन डेडली सिंस। सेवन डेडली सिंस यार मेरे फेवरेट एनिमे में से एक है, और यार इसके करेक्टर भी कमाल के हैं, और बान के साथ यार एस्कन और भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। बान इज पॉपुलर फॉर हिज लुक्स एंड एस्कन और तो अपनी स्ट्रेंथ के लिए और अपनी प्राइड के लिए है। बान इमोर्टल भी है, बट यार नहीं यार स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट स्टिल यार मेलियोडस इज माय फेवरेट फ्रॉम सेवन डेडली सिंस। आपका कौन यार कमेंट करके जरूर बताना। तो नंबर 4 पे जो करेक्टर है वो है लीवाई फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन, और यार अटैक ऑन टाइटन ही वो रीजन है वीडियो लेट आई है। मतलब यार लीवाई का यार स्वैग ही कुछ अलग है, मतलब उसका बेब्लेड मूव तो यार मेरा फेवरेट है और कुछ गजब ही है यार। जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखना। और अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जहां यार अगर किसी ने एक सीजन शुरू कर दिया तो यार वो उसे खत्म करे बिना नहीं रुक सकता है, जो ज्यादातर लोग कर देते हैं। तो नंबर 3 पे जो करेक्टर है वो है एल फ्रॉम डेथ नोट। एल वन ऑफ द स्मार्टेस्ट करेक्टर्स में आता है। तो सही में जिसने भी डेथ नोट देखा है वो जब भी एल की थीम प्ले होती थी तब अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगता होगा, पर अब फिर बाद में तो हम ही निकलते हैं। और यार वो बारिश वाला सीन भी कमाल का था। वेल मुझे पता है यार ये सबको पता होगा, लेकिन चाइना में बच्चों ने डेथ नोट देखने के बाद अपने टीचर्स का डेथ नोट पे नाम लिख दिया था, और इस बात पे जो यार चाइना ने डेथ नोट बैन कर दिया था। मतलब यार कुछ भी भाई, एक अजीब सी काली कलर की बुक क्यों रखी है, तेरा नाम लिखा हुआ है बीच में। कौन सी बुक है भाई, कुछ डेथ नोट लिखा हुआ है। तो नंबर 2 पे जो करेक्टर है वो है काकाशी फ्रॉम नारुतो। नारुतो में वैसे बहुत करेक्टर पॉपुलर है, लाइक इताची पेन ओबी तो जिराया बहुत है यार, पर मैंने जो है काकाशी को इसलिए लिया क्योंकि जब मैंने नहीं देखता था तो भी जो है मैंने काकाशी को देख रखा था, पर मैं उस टाइम जो है जानता नहीं था। पर एनिमे कम्युनिटी में जो है इताची भी ज्यादा पॉपुलर है। तो नंबर 1 पे जो करेक्टर है वो है जोरो फ्रॉम वन पीस। जोरो बहुत पॉपुलर है, उसने ऑलमोस्ट हर एनिमे वर्ल्ड में ट्रेनिंग कर रखी है, वो ऑलमोस्ट हर एनिमे मीम में है। और यार मैंने वन पीस नहीं देखा है, तो मैं आपको जोरो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। देखा इसलिए नहीं है क्योंकि यार मुझे जो है टॉप 10 वीडियोज और भी 1250 एपिसोड वाले एनिमे देखने होते हैं, और यार वन पीस अभी 950 प्लस एपिसोड है और अभी भी वो ऑनगोइंग है, उसके लिए यार मुझे माफ करना। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर मार देना। वीडियो लेट आई उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि बहुत सारा काम आ गया था, तो इसलिए यार स्क्रिप्टिंग भी इस बार ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई है। पता नहीं यार कोई एंड तक देख भी रहा है नहीं। बस यार मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सायोनारा, बाय बाय।